गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इमेजिनरी नंबर्स। इफ द स्क्वायर ऑफ ए गिवन नंबर इज नेगेटिव देन सच ए नंबर इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट -1, स्क्वायर रूट -2 etc. आर इमेजिनरी नंबर्स। We denoted square root -1 by the Greek letters iota I. Student, imaginary number किसी भी number का हम क्या करें square करें, तो square root -1 का square करें square root तो आएगा -1, तो यहाँ पे इसका square जो है square root का square जो है -1 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा imaginary number। तो स्क्वायर रूट -1, स्क्वायर रूट -2 ये क्या हो जाएगा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। और इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स द नंबर्स ऑफ द फॉर्म, नंबर का फॉर्म क्या हो a+ib, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 आर नोन एज कम्प्लेक्स नंबर्स। द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाई सी, सी इज इक्वल टू a+ib सच दैट ab बिलोंग्स टू आर। और एग्जाम्पल लेते हैं, ईच ऑफ द नंबर्स 5+8i -3+ √2i एंड 2/3 -5/7i इज ए कम्प्लेक्स नंबर। फॉर ए कम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू a+ib, वी हैव a इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड रिटन एज रियल जेड एंड b इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड रिटन एज इमेजिनरी जेड। नेक्स्ट हम लोग पावर ऑफ i, वी नो दैट आई क्यू को हम क्या राइट करेंगे i² into i की वैल्यू क्या होती है -1, i² = -1 into i = -i। i⁴ को हम राइट कर सकते हैं i² का स्क्वायर या i² = -1 होता है -1 का स्क्वायर 1। i⁵ तो i⁵ को हम राइट कर सकते हैं i² का होल स्क्वायर into i, तो i² को हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और y = i हो जाएगा। ऐसे ही i⁶ है, i² का q कर देंगे और -1 का q क्या होगा -1। और आल्सो वी है i⁻⁻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 ⁻
रेशनलाइज कर देंगे तो ऊपर आई बाई माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि आई में आई का मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, आई में माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो माइनस आई, आई एक्सपोनेंट पावर माइनस टू, इसको हम राइट कर सकते हैं वन अपान आई स्क्वायर या वन अपान माइनस वन, और वन अपान माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो माइनस वन, आई एक्सपोनेंट पावर माइनस थ्री, इसको हम राइट कर सकते हैं वन अपान आई क्यू, आई एक्सपोनेंट पावर थ्री इक्वल टू वन अपान माइनस आई, आई बाई आई से रेशनलाइज कर देंगे आई बाई वन हो जाएगा इक्वल टू आई, और सिमिलरली आई पावर माइनस फोर है, एक्सपोनेंट पावर माइनस फोर है, इसको हम राइट करेंगे वन अपान आई एक्सपोनेंट पावर फोर इक्वल टू वन बाई वन इक्वल टू वन। और इन जनरल फॉर एन इंटीजर के आई पावर फोर की वैल्यू वन हो जाएगी, आई पावर फोर के प्लस वन का आई हो जाएगा, और आई पावर फोर के प्लस टू इक्वल टू माइनस वन, आई पावर फोर के प्लस थ्री इक्वल टू माइनस आई। द स्क्वायर रूट ऑफ ए निगेटिव रियल नंबर्स, तो आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन माइनस आई का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, यानी इट मीन्स क्या, देयर फोर द स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन आर आई माइनस आई हाउ एवर बाय द सिंबल आपका हो जाएगा माइनस माइनस
और माइनस वन है, वी हैव मीन्स आई ओनली। नाउ वी कैन सी दैट आई एंड माइनस आई बोथ आर द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज्कवल टू जीरो आर एक्स स्क्वायर इज्कवल टू माइनस वन। सिमिलरली इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट थ्री आई का होल स्क्वायर इज्कवल टू इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट थ्री का होल स्क्वायर आई स्क्वायर इज्कवल टू हो जाएगा थ्री इंटू आई स्क्वायर इज्कवल टू माइनस वन और थ्री मल्टीप्लाई माइनस वन इज्कवल टू माइनस थ्री एंड इन ब्रैकेट माइनस स्क्वायर रूट थ्री आई का होल स्क्वायर, तो अब ब्रेक किया जाएगा तो माइनस थ्री स्क्वायर रूट थ्री का होल स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका थ्री थ्री इंटू माइनस वन, थ्री में माइनस वन का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस थ्री। देयरफोर द स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री आर स्क्वायर रूट थ्री आई एंड माइनस स्क्वायर रूट थ्री आई अगेन बोथ आर इक्वल हो जा रहा। हम लोग एक्सरसाइज अब स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ए प्लस आई बी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5i इन ब्रैकेट माइनस 3/5i, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में कोई सिंबल नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हो जाएगा आपका 5i और इनटू हो जाएगा माइनस 3/5i, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू माइनस 3i स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 3 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है आई एक्सपोनेंट पावर 9 है और प्लस आई एक्सपोनेंट पावर माइनस अरे आई एक्सपोनेंट पावर 19 है, तो आई 9 है प्लस आई पे 19 है, तो इसको हम 2 के टर्म में ब्रेक करेंगे, आई पावर 2 टू पावर 4 कर देंगे, तब पर भी एक आई बचेगा क्योंकि 4 2 8 और 9 है, प्लस आई स्क्वायर इस पर जो है कितना हो जाएगा 9 रख देंगे, 9 2 18 1 बचेगा और इंटू आई। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस 1 वन पर 4 हो जाएगा एक्सपोनेंट पावर इंटू आई, प्लस माइनस 1 वन पे 9 हो जाएगा इंटू आई। यहाँ पे इवेन नंबर है इसलिए 1 आ जाएगा, 1 का मतलब आई हो गया, और यहाँ पे ऑड है इसलिए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा, आई में से आई प्लस आई माइनस इक्वल टू 0, इसका आंसर आएगा 0। इसी थर्ड है आपका आई पावर आई एक्सपोनेंट पावर माइनस 39 है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1/i एक्सपोनेंट पावर 39 हो गया, फिर इसको हम 2 के टर्म में आई स्क्वायर के टर्म में ब्रेक करेंगे, 1/i स्क्वायर पावर क्या हो जाएगा 19 इंटू आई, माइनस 1/19 हो जाएगा एक्सपोनेंट पावर, चूँकि ये ऑड नंबर है इसलिए माइनस 1 हो जाएगा, माइनस का आई में मल्टीप्लाई होगा 1/-i, फिर आई से हम रेशनलाइज कर देंगे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो आई स्क्वायर माइनस आई अपन आई स्क्वायर वैल्यू माइनस 1 होगी, माइनस आई अपन माइनस 1 माइनस माइनस कैंसिल इक्वल टू आई। अब क्वेश्चन नंबर 4 है 3 इन ब्रैकेट 7 + i7 + i7 + i7, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर 3 7 = 21 और प्लस 3 7 = 21i और इसके बाद i का मल्टीप्लाई 7 + 7i और प्लस 7i स्क्वायर, आई स्क्वायर वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी, तो 21 + 28i, क्योंकि 21i + 7i 28i - i² = -1, माइनस मल्टीप्लाई 7 में होगा तो माइनस 7, तो टोटल हमारा 14 + 28i, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th 1 इन ब्रैकेट माइनस आई माइनस इन ब्रैकेट माइनस 1 प्लस आई 6, इसको भी सेम सॉल्व करेंगे, पहले राइट करेंगे 1 - i हो जाएगा, इसके बाद माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 1 में होगा तो प्लस 1 हो जाएगा, और इसके बाद जो है प्लस 1 फिर माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा
तो हो जाएगा प्लस i6, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी +1 -i6, तो i i के साथ ऐड हो जाएगा, और 1 1 2, 1 1 2 -7 i, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1/5 + 2/5i -(4+5/2i), ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, और इसके बाद माइनस मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो -5/2i, तो इमेजिनरी पार्ट वन ब्रैकेट में कर देंगे और रियल पार्ट वन ब्रैकेट में, तो रियल पार्ट हमारा है 1/5 -4, एक साथ कर लेंगे, प्लस इमेजिनरी में हो जाएगा 2/5 -5/2i, और इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, -19/5 -21/10i, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 7 है, 1/3 + 7/3i, वन ब्रैकेट प्लस सेकेंड ब्रैकेट 4+1/3i, क्लोज ब्रैकेट -4/3+i, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका बीच का ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, ओपन ब्रैकेट सब कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमारा आ जाएगा, रियल पार्ट को एक में करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को एक में करेंगे, तो रियल पार्ट में हमारा हो जाएगा 1/3 + 4 हो जाएगा, +7/3 + 1/3i -4/3+i, और इसको सॉल्व करेंगे, 13/3 + 8/3i +4/3 - i हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट एक में, रियल पार्ट एक में करेंगे, तो रियल में हमारा जो 13/3 और +4/3 एक साथ हो गया, प्लस 8/3 - 1 i के साथ हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 17/3 + 5/3 i। 1 - i exponent power 4 है, इक्वल टू हम राइट कर सकते हैं 1 - i² का होल स्क्वायर कर देंगे, तो a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा, a - b के होल स्क्वायर में ब्रेक किया जाएगा तो हो जाएगा 1 - i² - 2i का होल स्क्वायर, i² = -1, तो -1 + 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारा रिमेनिंग होगा इन ब्रैकेट -2i का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यानी 4i² i² = -1, 4 - -1 = -4, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है, यह जो है कि a+b का होल क्यूब हो जाएगा, a+b को होल क्यूब में हम ब्रेक कर देंगे तो a³ + b³ + 3ab इन ब्रैकेट a+b में ब्रेक कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1/3 का होल क्यूब और +3i का होल क्यूब और +3 × 1/3 का होल स्क्वायर +3i + 3 × 1/3 + 3i का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक किया जाएगा तो 1/27 + 27i³ + i + 9i² i³ = -i होता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/27 - 27i और i² = -1, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -9, और इसके बाद हमारा 1/27 - 9 - 26i, और इसको सॉल्व करेंगे -242/27 - 26i, ये आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10, -2 - 1/3i का होल क्यूब, माइनस हम कॉमन ले ले रहे हैं तो हमारा हो जाएगा माइनस का 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस बाहर हो जाएगा, -(2+1/3i) का होल क्यूब a+b का होल क्यूब में ब्रेक कर देंगे, माइनस बाहर ही रहेगा तो 2 का क्यूब + 1/3i का होल क्यूब +3 × 2 का होल स्क्वायर (1/3i) + 3 × 2 (1/3i) का होल स्क्वायर, ब्रेक करने पे माइनस बिग ब्रैकेट में 8+1/27i³ + 4i + 2/3i² i² = -1 iq = -i, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा 8 - 1/27i + 4i - 2/3 इन ब्रैकेट 8 - 2/3 - 1/27i + 4i, और इसके बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा -22/3 - 107/27i। और फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवेन इन द एक्सरसाइज
10 से 13 तक है, इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप 4 माइनस 3 i, 4 माइनस 3 i का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा, या बिटवीन साइन माइनस है तो हम प्लस से रेशनलाइज करेंगे, तो 1/4 माइनस 2 i 3 i इंटू 4 प्लस 3 i अपान 4 प्लस 3 i। तो 1 को मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 i में करेंगे तो 4 प्लस 3 i आ गया, नीचे क्या है a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 i का स्क्वायर, 4 माइनस 4 प्लस 3 i अपान 16 माइनस 9 i स्क्वायर, 9 i स्क्वायर इक्वल टू -1, तो प्लस हो जाएगा, यानी 4 प्लस 3 i अपान 16 प्लस 9, यानी 1/25 4 प्लस 3 i। तो अलग अलग सेपरेट करेंगे, 4/25 प्लस आई अप इंटू 3/25, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है √5 + 3 i, √5 + 3 i, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप √5 + 3 i को यहाँ पे हो जाएगा 1/√5 + 3 i, रेशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा √5 √5 - 3 i अपान √5 - 3 i। तो √5 - 3 i अपान √5 2 - 3 i2। तो रिमेनिंग हो जाएगा √5 - 3 i अपान √5 - 9 i2। 9 i2 = -1, तो +1 + 9 हो जाएगा, √5 - 3 i अपान 9 5 + 9 = 1/14 √5 - 3 i। तो सेपरेट करेंगे √5/14 - i 3/14। क्वेश्चन नंबर 13, i - i मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ माइनस i, इसको रेशनलाइज कर देंगे, 1/-i (i/i), तो i - i² - i² = -1, -1 + = i हो जाएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a + ib, इस फॉर्म को a + ib में ब्रेक करना है। तो यहाँ पे 3 3 + √5 i, और 1 ब्रैकेट में (2)(3 - √5 i) / 3 + √2 i - (3 - √2 i), इसको हम ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो न्यूमिनेटर में a + b (a - b) a² - b² हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर - √5 i² और नीचे का डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे, 3 + √2 i - √3 + √2 i, तो 9 - 5 i² अपान और +√3 और -√3 कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग 2√2 i रिमेनिंग हो गया, 9 + 5 अपान 2√2 i, 14 अपान 2√2 i, तो हो जाएगा 7 अपान √2 i, क्योंकि 2 से 7 14 कैंसिल हो जाएगा, 2 7 जा, रिमेनिंग होगा 7 अपान √2 i इंटू i से रेशनलाइज कर दे रहे हैं, तो 7 i अपान √2 i² i² = -1 = हो जाएगा -7 i अपान √2 या −7√2 i/2। थैंक यू।